जिला कोटपूतली बहरोड पुलिस अधीक्षक आईपीएस रंजीता शर्मा को दी गर्मजोशी के साथ विदाई। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अंतर्गत प्रदेश में घोषित किए गए नए जिलों के अंतर्गत देश व प्रदेश की दो राजधानियों की योजक कड़ी जिला कोटपूतली बहरोड की पहली पुलिस अधीक्षक को आज पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा हर्षोल्लास एवं गर्मजोशी के साथ विदाई दी गई। प्रदेश में नए जिलों की घोषणा के साथ ही जिले की पहली कलेक्टर डॉ शुभम चौधरी और पहली पुलिस अधीक्षक आईपीएस रंजीता शर्मा की सूझबूझ या की जुगलबंदी का ही परिणाम था कि क्षेत्र में पहली बार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। जब जब भी चला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिले के दौरे पर निकला करती थी तो बाई मीडिया प्रदेश की नज़रें इन दोनों प्रशासनिक अधिकारियों पर हुआ करती थी। यदि कम शब्दों में दोनों ही प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कुछ कहना पड़े तो तत्कालीन विजनरी विधायक उच्च शिक्षा एवं गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के साथ दोनों ही प्रशासनिक अधिकारी टीम में शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद आईपीएस अकादमी दीक्षांत समारोह 2021 में आईपीएस एसोसिएशन द्वारा स्वार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला आईपीएस पुलिस अधिकारी रंजीता शर्मा ही थी। Yeah.